आज व्लॉग ही नहीं, व्लॉग की पूरी कहानी बन गई, पूरी स्टोरी बन गई, आपको सुनाता हूँ बारी बारी से। जब सुबह मॉर्निंग में आँख खुली तो खुल गई आँख, बच्चा खुल गई तो देखा क्या, मोबाइल पे जाता ना हाथ, एकदम से मोबाइल पे गया हाथ और देखा क्या जी, मोबाइल में ना ऐसे लाइनिंग आ रही थी, हरी हरी ग्रीन ग्रीन लाइनिंग आ रही थी। तो बच्चा बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि भैया महंगा मोबाइल था, महंगा सेलफोन था मेरा, महंगा सेलफोन होने की वजह से बिल्कुल घबरा गए हम, थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि लाइनिंग आना अच्छी बात नहीं है सेलफोन के अंदर। तो फिर मैंने दिमाग में आया कि मुझको जाना है केयर में, तो सडनली मुझे केयर में जाना था। तो लेकिन उससे पहले मैंने फ्रेश हुआ और ब्रेकफास्ट किया, हमने पराठे, इनको कैसे भूल सकते थे, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी थी, तो चाय पराठे चले सुबह ही नाश्ते में। उसके बाद मैं गया गाइस सहारनपुर, जैसे मैं सहारनपुर गया तो मैं पहुंचा वहां पर, तो सडनली बारिश इतनी तेज़ आ गई, बारिश काफ़ी तेज़ी से आ गई और मुझको रुकना पड़ा एक जगह पर। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी तगड़ी बारिश आ रही है, मुझको भी एक छज्जे के नीचे रुकना पड़ा यहाँ पर। फाइनली गाइस मैं पहुँच गया वहाँ पर केयर में। जैसे कि मैं केयर में पहुँचा तो उन्होंने कहा भैया आपका जो मोबाइल है वह आउट ऑफ गारंटी हो गया है, यानी गारंटी से बिल्कुल बाहर हो गया है, तो इसलिए यह ठीक नहीं हो सकता। अगर इसको आपको ठीक कराना है तो आपका 14,000 रुपये इसमें चार्ज लगेगा, यानी 14,000 रुपये जिसका चार्ज लगेगा, इसके अंदर पूरा का पूरा ये फोल्डर डलेगा। तो मैंने कहा उनसे भैया महंगा मोबाइल लेने का फ़ायदा क्या है, फिर तो 10-15 हज़ार रुपये वाला ले लो। नहीं, ये महंगा मोबाइल मैंने लिया, इसमें ऐसी रखे इसमें लाइनिंग आ गई, नहीं ये गिरा, नहीं ये भीगा पानी में, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं प्रेस हुआ, जेब में प्रेस नहीं हुआ, ना करवट के नीचे आया, ऐसे ही सडनली इसके अंदर ही लाइनिंग आ गई। तो वह बोल रहे थे भैया इनके अंदर यह आ ही रही है, यानी जैसे ही आपका ना गारंटी से बाहर हुआ ना, एक साल हो गया मोबाइल को, तो इसके अंदर मैक्सिमम मोबाइल में यह जो कंप्लेन है यह कंप्लेन आ रही है। तो फाइनली गाइस फिर मैं वहाँ से आ गया, जैसे मैं वहाँ से आ रहा तो बारिश इतनी तेज़ फिर से आ गई, और जो वहाँ पर जो पानी का बहाव था ना वह इतने खतरनाक तरीके से हो गया वहाँ पर। ऐसा बोल रहे थे जो वहाँ पर रहने वाले हैं कि 2013 के बाद अब की बार पहली बार ऐसी बारिश हुई है, 2013 के बाद ऐसी बारिश हुई है जो इतना पानी यहाँ पर आ गया है, यानी आधा से ज़्यादा सहारनपुर ना बिल्कुल डूबा हुआ है, यानी कि जो मकान है वह डूबे हुए हैं, पूरी तरह से नहीं बट उनके अंदर पानी चला गया है। अब देखिए कितना नुकसान है वहाँ पर लोगों को, रहने वालों को। और मुझे सबसे खतरनाक सीन्स वहाँ पर क्या लगा, जो वहाँ पर गौशाला थी ना, वहाँ पर जो गौशाला थी वह भी बिल्कुल डूबने ही वाली थी, क्योंकि पानी ना इतने खतरनाक तरीके से जा रहा था वहाँ पर। फिर उनको कुछ वहाँ पर जो वहाँ पर रहने वाले हैं वह उनको बचा रहे थे, जो पहले उनके जो छोटे बछड़े होते हैं ना उनको ले जा रहे थे, और उनके बाद जो गाय थी उनको भी सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे। चलिए भैया नुकसान तो हमारा हो गया, ये ठीक होने वाला नहीं था। मैंने भी सोचा जैसे कि ये इसमें लाइनिंग तो आ रही है, बाकी सही सलामत चल रहा है वैसे जो मेरा यह सेलफोन है, मैं इसी से फिलहाल जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, टोटल वीडियो मैं इसी से शूट करता हूँ। मैंने सोचा अगर पूरे पे आएगी तो मैं इसको डलवा लूँगा, उससे पहले इसको डलवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सुबह का निकला हुआ था मैं घर से और भूख ना बिल्कुल धमाकेदार लग रही थी, भूख की भी क्या गलती है ना, बिल्कुल कोई गलती नहीं है गाइस। तो क्योंकि मैं 3 या 4 घंटे के करीब रुका हूँ बारिश में एक जगह पर, मैं कंटिन्यू अगर चलता रहता तो जल्दी घर पर आ जाता, लेकिन मैंने सोचा कि क्या भीगे, लेकिन बारिश ना बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब तक भी आ ही रही है बारिश। तो फिर फाइनली हम गाइस रुकते हैं एक फास्ट फूड की शॉप पर, वहाँ पर मोमो खाते हैं, कुछ एग खाते हैं, तब जाके पेट पूजा होती है कुछ, और थोड़ा आगे जाकर मेरी फेवरेट जो होती है ना जलेबी वह मिल जाती है, तो मैं वहाँ पर भी खाता हूँ, कुछ बच्चों के लिए लेकर भी घर पर आते हैं। इस तरह से मैं घर पर आ गया, जलेबी बच्चों के लिए लेकर भी आ गया। तो फाइनली गाइस मैं इस तरह से घर पर आ गया हूँ फिलहाल, और यहीं पर मैं बिलाल लेटा हूँ, दूसरे वस्त्र चेंज कर लिए हैं दोबारा नहाकर, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है ना बिल्कुल शरीर में बदबूसी कर देता है, तो दोबारा नहाना पड़ा मुझको जरूर। गाइस नाम मेरा आदिल है और मेरा जो व्लॉग चैनल है वह आजियान व्लॉग्स के नाम से है, जिस पर डेली एक व्लॉग आता है। धूप हो, छाया हो, बारिश हो, कुछ भी हो, किसी प्रॉब्लम हो, लेकिन उस पर एक व्लॉग रोज आता है, शाम के वक्त 11 बजे से पहले पहले एक व्लॉग जरूर आता है, जिसको आप बिल्कुल भी मिस करना ना भूलिएगा। फाइनली गाइस मिलता हूँ, और उससे पहले एक शायरी सुना देते हैं आपको। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर एक के हाथ में नमक है। अंडरस्टैंड गाइज अलादीन। ओके अल्लाह हाफिज़ गाइज, बाय बाय, लव यू।